नीलेश भाई, नेचुरली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, फिर भी प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में आपकी जगह बड़ी मजबूती से है। क्या आप अलग देखते हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आने वाले 25 साल हमारे हैं? एक अनिल भाई, अगर मैं इस ऑडियंस में पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल नहीं भरा है? नहीं भरा है? नहीं भरा है। एवरीवन, आई एम श्योर मुश्किल से किसी ने हाथ ऊपर किया है। अगर यही चीज मैं अमेरिका में पूछता तो 1/6 ऑफ ऑडियंस वुड हैव रेज्ड देयर हैंड और कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है। वाओ, द बेस्ट पार्ट इज आई कैन सी हियर जितने हमारे एक सारे कैमरामैन हैं ये भी ताली बजा रहे हैं। तो इससे आप सेंस ले सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो वेल्थ आ रही है सिर्फ टॉप पर नहीं है, नीचे तक सर्कुलेट हो रही है। दूसरी चीज अनिल भाई, आज का जो मेरा राज्य है महाराष्ट्र, वो 2005 में इंडिया के बराबर था। सो 2005 में पूरे भारत का जो जीडीपी था वो आज सिर्फ महाराष्ट्र का है। कंबाइंड यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला के 2001 के भारत के बराबर है, और गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका 2000 के भारत के बराबर है। सो पांच राज्य ऐसे हैं जो कल के भारत के बराबर है, और अगर ये सब लोग मिलके काम करते रहे तो आने वाले 15-20 साल में आज के भारत के बराबर हो जाएंगे। क्या बात है। दो और चीजें कहना चाहता हूं, जो जैसे नवनीत ने बताया कि कैसे भारत विश्व में अग्रसर हो रहा है। कोविड क्राइसिस आया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ऐसा पिछला क्राइसिस सबप्राइम क्राइसिस था 2008 में, जब लीमन ब्रदर्स की एक्सपायरी की वजह से सारे देश विदेश में प्रॉब्लम्स हुई थी। सबप्राइम क्राइसिस से कोविड क्राइसिस तक पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसी मेजर इकोनॉमी है जिसने अपना डेट टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव किया है। भारत के कॉर्पोरेट और भारत के लोगों ने अपना डेट कम किया है, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, बट कुल मिला के इंडिया इज दी ओनली कंट्री विच हैज इम्प्रूव इट्स डेट टू जीडीपी रेशो बिटवीन टू क्राइसिस। फाइनली अगर आप आज देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम जनरली टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 क्रिकेटिंग रैंक में आती है, राइट? एंड इसका कुछ कारण ये है कि हमारे प्लेयर आज कंसिस्टेंटली 1, 2, 3 में आते हैं। जैसे सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बैट्समैन है T20 में, बुमराह टॉप बॉलर है, चेतेश्वर पुजारा टॉप टेस्ट बैट्समैन है। तो जब आपके प्लेयर की रैंक बढ़ती है तो कंट्री की रैंक, टीम की रैंक बढ़ जाती है, राइट? 6 आउट ऑफ टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर टुडे इन इंडिया। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई। अगर हमारे सिटीज दुनिया में सबसे तेज ग्रो करेंगे तो अपने आप इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन ही जाएगा। एंड फाइनली आप ये कह सकते हैं कि भाई सिटीज है, राज्य है, बट अल्टीमेटली तो कॉर्पोरेट होना चाहिए मार्केट के लिए, राइट? तो हम बहुत फक्र करते हैं अमूल के ऊपर कि ये भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, रूरल इंडिया से, इरमा से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके वह भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी चलाते हैं।
हम फक्र करते हैं कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा टर्नओवर करते हैं। इस साल अनिल भाई, मैं उनकी बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उन्होंने निशान लगाया है 2047 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट लार्जेस्ट फूड कंपनी बन जाएंगे। वाँ, वाँ। आज इनका टर्नओवर है 61,000 करोड़ रुपए, 2047 में उन्हें 18,00,000 करोड़ टर्नओवर का जिम्मा लिया है। क्या बात, क्या बात। और कोई ये ऐसा बोलता तो हम शायद कहते कि नहीं, ये ख्वाब देख रहा है, बट ये एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत को मिल्क इंपोर्टर से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया है। 1970 में भारत पूरे यूरोप के 16% मिल्क का उत्पादन करता था, आज भारत पूरे यूरोप से 1.5 गुना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है थैंक्स टू अमूल। एब्सोल्युटली। तो अगर मेरी कंपनी दुनिया में नंबर वन बनेगी, मेरे सिटीज दुनिया में नंबर वन बनेंगे, मेरे देश, मेरे राज्य आज के इंडिया के बराबर होंगे, तो फिर कुछ बोलने की जरूरत कहाँ रहती है। एक ही जरूरत है, अमूल का IPO लाइए, लिस्टिंग करवाइए।